अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। इस गठबंधन को लेकर आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। अकाली दल ने पिछले साल केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था। बीएसपी के साथ गठबंधन पर अकाली दल बीजेपी से नाता टूटने के बाद खाली हुई है। कई सीटों की भरपाई करने की कोशिश भी की जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, दलित वोट काफी महत्व रखता है। पंजाब की आबादी में करीब 33% संख्या दलितों की है और यही दलित वोट बैंक बीएसपी और अकाली दल के गठबंधन का आधार बना है। अकाली दल और बीएसपी 1996 लोकसभा चुनाव के 27 साल बाद फिर से साथ आ रहे हैं। 1996 आम चुनाव में इस गठबंधन ने पंजाब की 13 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीएसपी चुनाव में सभी 3 सीटों और अकाली दल 10 में से 8 सीटों पर जीती थी। सुखबीर सिंह बादल ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि उनकी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी भी दल के साथ गठबंधन कर सकती है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।